खबर आ रही है नेशनल हेराल्ड से जुड़ी हुई, जहां ईडी ने इस बीच खुलासा किया है कि मोतीलाल वोरा ने जो भी वित्तीय फैसले लिए उसके दस्तावेज नहीं। देखिए, जांच के दौरान मोतीलाल वोरा के वित्तीय फैसला लेने के दस्तावेज मौजूद नहीं है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, एक तरह से सबूत और खुलासा एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की तरफ से ये जानकारी, जहां पर नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी का यह खुलासा हुआ है। इस वक्त की यह सबसे बड़ी खबर है, जांच के दौरान पहुंचे नेताओं पर यह खुलासा हुआ है। यह जानकारी मिल रही है कि मोतीलाल वोरा ने जब वित्तीय फैसले लिए उसके दस्तावेज मौजूद नहीं है। तो यह बड़ी खबर इस वक्त नेशनल हेराल्ड केस से जुड़ी हुई, जहां एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट सूत्रों के मुताबिक ये खबर मिल रही है कि लेन देन यानी वित्तीय मामले पर जो फैसले लिए गए उसके डॉक्यूमेंट्स नहीं है, उसके सबूत नहीं है, दस्तावेज मौजूद नहीं है। तो जांच के दौरान पहुंचे नेताओं पर यह खुलासा ईडी सूत्रों के मुताबिक। मुनीश पांडे हमारे साथ, हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। मुनीश, क्या जानकारी मिल पा रही है, क्योंकि ये तो अपने आप में बहुत बड़ी खबर है और बहुत बड़ा खुलासा है ईडी की तरफ से। जी बिल्कुल, देखिए अगर इस पूरे मामले की बात करें तो पेज एक ही जगह पे फंसा हुआ है कि आखिरकार जो पैसों का ट्रांजैक्शन हुआ था, 90 करोड़ का लोन कांग्रेस ने जो एजेएल को दिया हुआ था, 50 लाख रुपए का जो पैसा कलकत्ता की एक कंपनी से यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड, यहाँ पे सोनिया गांधी और राहुल गांधी डायरेक्टर है, वहां पे आया हुआ था, उसको लेकर जितने भी नेताओं ने बयान दिया था, जिसमें कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी का भी बयान दर्ज किया गया था, उन सब ने एक ही बात कही थी कि इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि सारे पैसों के लेन देन का जो हिसाब रखने वाले शख्स थे वो थे उस वक्त के ट्रेजरर, वो थे मोतीलाल वोरा। लेकिन जब ईडी अधिकारियों से हमने बातचीत की तो हमें जो बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि जितने भी कांग्रेस के नेता, चाहे वो सोनिया गांधी, राहुल गांधी, पवन बंसल, मल्लिकार्जुन खड़गे, सुमन दुबे, इन सब के जब बयान दर्ज किए गए थे तो किसी ने भी ऐसा कोई दस्तावेज ईडी के सामने पेश नहीं किया जिससे कि ये साबित हो पाए कि जो पैसों का लेन देन था उसका डिसीजन मोतीलाल वोरा ने लिया हुआ था। इसके अलावा उन्होंने यह भी जानकारी दी है ईडी सूत्रों ने कि जब जांच हो रही थी उस वक्त ईडी अधिकारियों ने मांग की थी कि अगर ऐसा कुछ हुआ था तो इसको लेकर। आप नजर बनाकर रखें मुनीश, बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी खबर पर अपडेट दर्शकों को पहुंचाने के लिए।